बैटरी खत्म हो गई, मतलब फोन की बैटरी। चार्जर मिलेगा? आप भी लगा दीजिए। महाकाल के सामने इस दिए की ज्योत को साक्षी मानकर मैं ये प्रण लेती हूँ कि आपके ऊपर आने वाली हर मुश्किल अपन के ऊपर आ जाए। देना, मेरे साथ मंदिर नहीं आओगे? लक्ष्मी आई है। गायब हो क्या?
कनाडा नहीं है, इंडिया है, वो भी उज्जैन। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? अगर सुमित्रा जी देख लेती तो, अभी वो ऊपर आ रही थी तुम्हें बुलाने के लिए, मैंने उन्हें रोक लिया। वो देख लेती तो देख लेती मां, आई रियली डोंट केयर। तो परवाह करनी चाहिए, क्योंकि राज की फैमिली, उसका पैसा नहीं होगा ना तो हम वापस से सड़क पे आ जाएंगे। चिल, एक तो बाहर इतना लाउड म्यूजिक जग रहा था, ऊपर से आप चिल्ला रही हैं, माय हेड इज स्प्लिटिंग। और आप तो ऐसे बिहेव कर रही हैं जैसे कि मेरे ऊपर एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। तेरे डैड तो दिवाला निकाल कर निकल लिए, एक पाई तक नहीं छोड़ी हमारे लिए। और वो राज उस लड़की के कारण कितने सालों तक डिप्रेशन में था, वो तो मैंने उन लोगों को समझाया कि तेरे साथ होगा तो उसका डिप्रेशन ठीक होगा और उसका ध्यान उस लड़की से हटेगा, नहीं तो तू जिस तरह से इस घर से निकाली गई थी ना, तेरा यहाँ आना तो मुमकिन ही नहीं था। और अब अपनी बेवकूफी की वजह से ये सब खराब मत कर देना। ये सब खराब हो चुका है मॉम, क्योंकि राज जैसा यूजलेस इंसान इस दुनिया में नहीं है। और राज नहीं होगा ना तो ये लेविश लाइफस्टाइल, ये महंगी गाड़ियां, ये मिनटों में लाखों रुपए उड़ाना कुछ भी नहीं होगा। और ये मत भूल शायना कि सिर्फ तेरा ही नहीं, तेरी माँ का घर खर्च भी यहाँ से निकलता है। क्या राज नाम की चैंटिंग कर रही हो आप? नाम राज है उसका, लेकिन उसके यहाँ पे कुछ नहीं चलता ना। स्टूपिड है वो कि अपने ही हॉस्पिटल में उसे काम करने की सैलरी मिलती है। रिडिक्यूलस, इसीलिए कह रही हूँ बना के रख। राज नहीं तो सुमित्रा जी है, गुरुराज भाई साहब है ना, और डिवोर्स से तुझे ठेंगा ही मिलेगा। और राज कुहू की वजह से तुझे इस घर में झेल रहा है, नहीं तो ये सब कब का तेरे हाथ से निकल चुका होता। अब ऐसे हर चीज में तो मैं एडजस्ट नहीं कर सकती मॉम, यहाँ मत जाओ, ये मत करो, ब्ला ब्ला ब्ला। और वैसे भी मुझे मेरा ड्रीम मैन मिल चुका है जो मुझे सारी बड़ी खुशियां देना चाहता है। अभी कुछ ऐसे मत करना कि तेरी हालत धोबी के कुत्ते की तरह हो जाए, ना घर की रहेगी ना घाट की। अभी चल मेरे साथ नीचे और सबके साथ बैठ जकराते। बाद की ट्रेन है, वापस पलक कर जाकर मामी से क्या बोलूंगी। स्कॉलरशिप से रिजेक्ट और अब नौकरी से भी, हे से विसंभो। आए थे स्कोला मेरी, अगर घर जाकर भी वापस नौकरी नहीं मिली तो क्या करूंगी। कुछ समझ नहीं आ रहा, अगर पढ़ाई की होती तो इंटर्नशिप करके पैसे कमा लेती, लेकिन अब तो कोई रास्ता ही नहीं है। Thank you.